नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं NFCC वर्सेस BCP के बीच होने वाले मैच के बारे में। आज हम सीधे तीन टीम्स देखने वाले हैं, ड्रीम इलेवन के विनिंग टीम्स, तीन टीम्स जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस मैच पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक भी टीम अब तक नहीं बनाई है तो आपको क्रिएटर टीम पर क्लिक करना है, लेकिन मैं ऑलरेडी तीन टीम्स बना चुका हूँ जिससे मैं माय टीम पर क्लिक करके एक एक करके एडिट करके आपको दिखाता जाऊँगा किस किस को आप टीम में लेना है और किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। तो चलिए माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं कीपिंग में। कुल मिला के हमारे पास तीन चार अच्छे अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें से मैं एक को ही चूज़ करूँगा, वो है ए अली। अगली टीम में ऑफकोर्स मैं आप किसी और को चूज़ करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ए अली के साथ जाना चाहूँगा। चलते हैं बल्लेबाजी पर, तो बल्लेबाजी में मैं तीन ही बल्लेबाज चूज़ करूँगा क्योंकि तीन ही अच्छे ऑप्शन है दोस्तों पूरे बल्लेबाजी में। ए उल्ला एक अच्छे ऑप्शन थे लेकिन वो पिछले मैच में प्लेइंग इलेवन में नहीं थे, पिछली ही नहीं बल्कि पिछली चार मैचेस में वो प्लेइंग इलेवन में शामिल ही नहीं है, तो इस वजह से उनको लेना फिजूल है। वही अगर बात कर लेते हैं किस किस को टीम में लिया, तो एम रहमान को लिया है, के अहमद को लिया है, उसके बाद जे मोरल को लिया है। तो इस तरह से तीन ही अच्छे ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास। आर हुसैन है लेकिन उन्होंने काफ़ी कम पॉइंट दिए अब तक और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो पवनदीप है इन्होंने भी अच्छे पॉइंट दिए लेकिन ये भी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं है। तो कुल मिला के हमें हर टीम में इन तीन को ही शामिल करना होगा। चलते ऑलराउंडर पर, यहाँ पे काफ़ी टक्कर है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर से इस टीम में, तो दोनों टीमों में मिलकर तो हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमने डब्लू अख्तर को लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट दे चुके हैं। ए अल तस्मीन को लिया है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग में। उसके बाद पी मिहा को लिया है और आर सिंह को लिया है, इन दोनों ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट अब तक दिए। तो इस तरह से चार ऑलराउंडर हमारे पास है दोस्तों और चारों के चारों अच्छे खासे पॉइंट अब तक दे चुके हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों गेंदबाजी पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं किस किस को लेना है। तो इस टीम में गेंदबाज भी काफ़ी है दोस्तों और काफ़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, इसमें से हमें तीन को ही चूज़ करना है। यू फारूक को लिया है और जी सिंह को लिया है और पी सिंह को लिया है। इस तरह से तीन गेंदबाज हमारे पास हो चुके हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया टीम बनने वाली है। फिर भी कंटिन्यू पर क्लिक करके देख लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते हैं। तो पहले ही टीम में डब्लू अख्तर को, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 30% से भी ज़्यादा लोगों ने डब्लू अख्तर को कैप्टन बनाया। और मैं पहले टीम में हमेशा बताता हूँ कि रिस्क नहीं लेता हूँ, जो ज़्यादा लोगों ने कप्तान बनाया उनको ही बना लेता हूँ। तो पहली टीम में मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया, एज ए अली वाइस कैप्टन बनाया। तो टीम प्रीव्यू एक बार करा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास कीपिंग में ए अली है, वही मेरे पास बैटिंग में तीन बैट्समैन हैं, के अहमद, जे मोरल और एम रहमान। तो इसके बाद मेरे पास मतलब तीन ही बल्लेबाज लिए, इसको वजह से मेरे पास चार ऑलराउंडर के ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों। उसमें पी मिहा लिया है, ए अली तस्मीन को लिया है, डब्लू अख्तर को, आर सिंह को, चारों के चारों बेस्ट ऑलराउंडर्स है दोस्तों, चारों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और चारों के चारों बैटिंग और बॉलिंग में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है। उसके बाद मैंने तीन गेंदबाजों को लिया है, यू फारूक को लिया है, जी सिंह को लिया है और पी सिंह को लिया है। तो ये तीनों भी गेंदबाजों काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी इनको मिल रही है, तो इसी वजह से मैंने इन तीनों को भी इस टीम में शामिल किया है। तो चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन को। मैंने इस टीम का कैप्टन डब्लू अख्तर को बनाया है, काफ़ी सबसे ज़्यादा पॉइंट अब तक इस दोनों टीमों में इन्होंने ही दिए हैं और बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, इसलिए हमें डबल पॉइंट दे सकते हैं और अच्छी खासे ऑलराउंडर है, इस वजह से इनको कैप्टन बनाना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। वही अगर वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो मैंने यहाँ पे ए अली को वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि ये भी हमें डबल ऑप्शन देने वाले, पॉइंट डबल दे सकते हैं। ए अली एक विकेट कीपर होने की वजह से हमें बैटिंग में तो पॉइंट दे ही सकते हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग में भी ये अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि बैटिंग के साथ साथ वो स्टंपिंग,
कैचिंग और रनआउट में भी हमें पॉइंट दे सकते हैं, इस वजह से मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों। इस टीम को अगर आप ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप इस टीम को स्मॉल और ग्रैंड लीग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में आप मल्टीपल टीम लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस टीम को क्लोज करके सेव कर लेते हो और दूसरी टीम को आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कीपिंग में चेंज करूँगा, तो इस बार मैंने ई बाम को लिया, ए बाम को लिया है, ए अली को नहीं लिया है। आप देख पा रहे हैं ए बाब ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों, तो ज़रूर इनके साथ भी आप ज़रूर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं। बैटिंग में वही तीन ऑप्शन रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने बना एम रहमान, के अहमद और जे मोरल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। उसके बाद ऑलराउंडर्स में ज़रूर आपको चेंजेस करने पड़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे डब्लू अख्तर और ए अल अमीन तस्मीन को ज़रूर फिर से शामिल कर लिया है, लेकिन मैंने पी मिया को नहीं लिया है, आर सिंह को इस टीम में लिया है और आर सिंह ब्रार को लिया है। ये दोनों प्लेयर मेरे ख्याल से पहली टीम में नहीं थे, इसीलिए इस टीम में मैंने उनको ले लिया है। तो इसी तरह से ये चार ऑलराउंडर है हमारे पास है। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस किए, एस अल अमीन को मैंने इस टीम में लिया है, एल एम इस्लाम को लिया है और यू फारूक को लिया है। तो ये तीनों की तीनों अच्छे खासे गेंदबाज है दोस्तों, जरूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको लिया है दोस्तों। वही अगर बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो मैंने इस टीम का कैप्टन भी काफ़ी बढ़िया चूज़ किया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 34.56% लोगों ने ए अल तस्मीन को कैप्टन बनाया, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा, लेकिन मैंने वाइस कैप्टन आर सिंह को बनाया, जो कि काफ़ी कम लोगों ने इनको चूज़ किया है, क्योंकि अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देंगे दोस्तों, और आपको ग्रैंड लीग या जिताने में भी आपको मदद कर सकते हैं, और या फिर ग्रैंड लीग में आपको अच्छी खासी अर्निंग ज़रूर हो सकती है अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ। ए बाम को मैंने लिया एज अ विकेट कीपर, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है इनका भी। उसके बाद के अहमद, जे मोरल और एम रहमान को बैटिंग में लिया है। वही अगर बात कर लेते तो चार ऑलराउंडर फिर से मेरे पास है, ए अल तस्मीन, डब्लू अख्तर और आर सिंह ब्रार को। काफ़ी बढ़िया चारों के चारों ऑलराउंडर है दोस्तों, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं और आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको। तो चारों के चारों ऑलराउंडर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, इसीलिए मैंने इन चारों को यहाँ पे चूज़ किया। वही अगर बात कर लेते हैं गेंदबाजी की, तो यू फारूक वन को लिया है, एम इस्लाम को लिया है और एल एस अल अमीन को लिया है। तो ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मैं कहूँगा ये टीम भी आप ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल्स टीम नहीं लगाएंगे ग्रैंड लीग में, तब तक आपके जीतने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे दोस्तों। अगर आप मल्टीपल्स टीम लगाते हैं तो आपको जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। वही अगर बात कर लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो ए अल तस्मीन को मैंने कैप्टन बनाया, ये थोड़ा रिस्की नहीं है दोस्तों, इनको भी काफ़ी लोगों ने कैप्टन बनाया, लेकिन आर सिंह को मैंने वाइस कैप्टन लगाया, ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों ये भी, और अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते इस बार भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं या फिर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में आपको अच्छी खासी अर्निंग ज़रूर हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, अगर चाहे तो आप इसे ग्रैंड लीग के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और तीसरी और आखिरी टीम आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तीसरी टीम में मैंने एज अ विकेट कीपर देख सकते हैं दोस्तों ए अली को वापस ले लिया है। ए अली को लेने के बाद बैट्समैन में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, एम रहमान को लिया है, उसके बाद जे मोरल को लिया है और के अहमद को लिया है। इस तरह से तीन ऑलराउंड माफ कीजिएगा तीन बल्लेबाज है। उसके बाद फिर से चार ऑलराउंडर को मैंने इस टीम में शामिल किया है। मैं चाहता तो पाँच या छः ऑलराउंडर भी ले सकता था, लेकिन हम उतने ले नहीं सकते, चार ऑलराउंडर से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो इस टीम में मैंने फिर से डब्लू अख्तर को ले लिया है, लेकिन ए अल तस्मीन को इस टीम में नहीं शामिल किया है। पी मिया को लिया है फिर से और आर सिंह को भी लिया है इस टीम में, और चौथे जो ऑलराउंडर है दोस्तों आर
सिंह ब्रार को लिया है। तो इस तरह से चार ऑलराउंडर फिर से हमारे पास है और काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर से चारों के चारों। चलते हैं गेंदबाजी पर, तो क्यू अनवर को लिया है इस बार। क्यू अनवर भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, ज़रूर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्यू अनवर भी पिछले कई मैचेस से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, लेकिन हम इनको छोड़ देंगे और उनके जगह पे जी सिंह वन को लेंगे, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप एस अहमद को भी ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जी सिंह वन के साथ जाना चाहूँगा। और भी ऑप्शन है, एम इस्लाम है, एस अल अमीन है, या फिर एन खान को भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये भी पिछले कुछ मैचेस में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। तो इस तरह से मैंने तीन गेंदबाजों को पिक किया है, पी सिंह, जी सिंह वन और यू फारूक। तो इस तरह से तीन गेंदबाज हमारे पास। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया एम रहमान को। जी हाँ दोस्तों, अच्छे खासे प्लेयर है, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए इनको कैप्टन बना सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यू फारूक को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है दोस्तों और अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। टीम प्रीव्यू एक बार करा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे फिर से कीपिंग में मैंने एल ए अली को लिया है, वही बैटिंग में हमारे पास एम रहमान, जे मोरल और ए अहमद है। ऑलराउंडर में फिर से हमारे पास चार ऑलराउंडर है, पी मिहा, आर सिंह ब्रार, डब्लू अख्तर और आर सिंह फिर से। तो इन चारों को मैंने वापस लिया है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी और बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। वही अगर बात कर लेते हैं गेंदबाजों की, तो मैंने आर सिंह, जी सिंह वन और फारूक, यू फारूक वन, इनको लिया है। वो ये भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छे खासे विकेट के नाम है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका भी, तो आप जरूर इन सब पर भी भरोसा कर सकते हैं। वही कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर ले तो एम रहमान को कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन यू फारूक को बनाया, क्योंकि एम रहमान भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है दोस्तों और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर आप इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और यू फारूक को भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में और अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट भी इनको मिलती है, तो इसी वजह से मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। अगर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, यू फारूक वन को कैप्टन और एम रहमान को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया टीम है ये भी दोस्तों, थोड़ी हटके जरूर है लेकिन अच्छी खासी टीम है दोस्तों, तो ज़रूर आप इसको भी ग्रैंड लीग के लिए लगा सकते हैं और स्मॉल लीग के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए ये टीम फिट है, काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर इस पर दाव लगाइएगा। तो कुल मिला के ये भी टीम बढ़िया है दोस्तों, इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ और आखिर में आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ये तीनों टीमें पसंद आई हो या फिर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज के लिए वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।